हमारे पास सेंटेक्स कैसे लिखा जाएगा, जो कोड हम लिखेंगे वो बेसिक कोड हम HTML में जो लिखा जाएगा उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट हमें फॉलो करना पड़ेगा हर एक वेब पेज बनाते टाइम। तो कोई भी वेब पेज अगर हम बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले हम नोटपैड ओपन करेंगे और वहाँ पे लिखेंगे HTML टैग लगाएंगे और हेड टैग लगाएंगे, और हेड टैग के साथ साथ यहाँ पे इसी हेड टैग के अंदर हमारा टाइटल टैग रहेगा। हेड टैग हमारा यहाँ पे, इसमें देखिए एक हमारे पास टैग ओपन करने का तरीका होता है, ये क्लोज करने का तरीका होता है। तो जिसमें हम स्लैश लगा देते हैं वो हमारा क्लोजिंग टैग बोला जाएगा, और यहाँ पे जो हमारा नॉर्मल है ये हमारा ओपनिंग टैग रहेगा। तो हेड टैग हमारा यहाँ से बंद होगा और देन उसके बाद हमारा बॉडी स्टार्ट होगा, बॉडी के अंदर सारा का सारा काम करेंगे और देन फाइनली लास्ट में हमारा HTML क्लोज हो जाएगा। इतना कभी भी कोई भी हम वेबसाइट का कोई भी वेब पेज बनाएंगे तो उस वेब पेज में आपको इतना तो रहेगा ही रहेगा, HTML टैग, देन हेड टैग, हेड के अंदर टाइटल टैग, देन हेड टैग आपका क्या क्लोज हो जाएगा, जैसे आपका हेड टैग क्लोज होगा देन हमारा क्या होगा बॉडी टैग ओपन होगा और ये बॉडी टैग हमारा क्लोज रहेगा। इसी बॉडी टैग के अंदर हम बहुत सारे टैग लगाना सीखेंगे और उन टैग के कुछ रूल्स होंगे, उनके कुछ पैरामीटर्स होंगे, उसी को हम यहाँ पे समझेंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पे लगाएंगे। अब इसमें हमारे पास टैग कैसे लगाएंगे वो चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे अभी आगे, बट अभी फिलहाल के लिए ये जो हम कोड लिखेंगे HTML में नोटपैड में उसको हमें सेव भी करना पड़ेगा। सेव करते टाइम हमें ध्यान देना होगा कि फाइल का नाम देंगे और लास्ट में .html लगाएंगे। तो कोई भी वेब पेज बनाना है तो फाइल नेम .htm लगाएंगे या HTML। तो इसी को हम क्या करेंगे, एक एक्सरसाइज करके देखेंगे नोटपैड में, जो हर कंप्यूटर में आपको नोटपैड मिलेगा। तो नोटपैड पे काम करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से सिंपल सा आपको स्टार्ट पे जाना है, यहाँ से आप चाहे तो आप नोटपैड यहाँ से टाइप करके यहाँ से सर्च कर सकते हैं, आपको नोटपैड इधर आ जाएगा, नोटपैड यहाँ पे आएगा। तो यहाँ से हमें क्या करना है, वो HTML का जो अभी हम लोग टैग देख रहे थे ये HTML का टैग हमें लगाना रहेगा, और इसी में हमारे पास क्या हो जाएगा हेड टैग लिखेंगे, हेड टैग के अंदर हमें क्या करना रहेगा टाइटल टैग लगाएंगे। अभी हम लोग देखेंगे टाइटल टैग का यूज कहाँ पे करेंगे, हेड टैग क्यों लगा रहे हैं, बॉडी टैग कहाँ पे करेंगे। तो ये टाइटल टैग का मतलब, जैसे देखिए कोई भी फाइल बनाते हैं ना तो यहाँ पे फाइल का भी टाइटल होता है। अभी यहाँ पे क्या दिखा रहा है, अनटाइटल, मतलब इस फाइल का कोई टाइटल नहीं है। ये तो नोटपैड की फाइल की बात हो गई, लेकिन जो हम यहाँ पे देंगे ये आपके वेबसाइट के अंदर जो पेज होगा उस पेज का टाइटल होगा। जैसे कोई भी वेबसाइट अगर आप देखेंगे तो आपको उस वेबसाइट में आपका कुछ ना कुछ टाइटल रहेगा। पहले यहाँ पे हम समझ लेंगे कि वेबसाइट में किस तरीके से, जैसे यहाँ पे अगर हम कोई भी हम यहाँ पे वेबसाइट ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमने दिया myindiaservice.com दिया, और इसमें देखिए ये जो यहाँ पे शो करता है ना ये हमारा टाइटल होता है। यहाँ पे जो हमारे ब्राउजर्स में हमने वेबसाइट का नाम दिया myindiaservice.com और इसको हमने हिट किया, और हिट करेंगे तो जो फर्स्ट पेज होगा वेबसाइट का वो हमारा क्या होगा इंडेक्स के नाम से होगा। जो हमारी वेबसाइट का पहला पेज होगा वो किस नाम से होगा, इंडेक्स के नाम से होगा। तो इसमें जो हमारा पहला पेज ओपन होगा वो हमारा क्या होगा होम पेज उसको कहे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारा टाइटल है, जो हेड के अंदर हम लोग टाइटल दे रहे थे वो टाइटल यहाँ पे आएगा। और इसमें छोटी सी एक इमेज आती है, इसको फेविकॉन बोलते हैं, इसको भी आगे हम लोग समझेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए ये हमारा जो हेड में लिखा गया है वो यहाँ पे आएगा। टाइटल भी यहीं पे आता है, फेविकॉन भी हेड के अंदर लिखा जाता है तो वो भी इधर ही आएगा। तो ये जो हमारे हेड के अंदर दिया जाता है वो यहाँ पे आएगा, बाकी जो आपने बॉडी में दिया गया है वो इधर आएगा इस एरिया में। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम टाइटल में देंगे वो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा,
और जो बॉडी में देंगे वो इस वाले एरिया में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो HTML में लिख रहे थे, तो ये जो हमारा टाइटल देना है तो हम यहाँ पे टाइटल मेंशन कर सकते हैं। अगर हमारे पास होम पेज है तो हमने होम पेज लिखना है तो होम पेज लिख दिया, सर्विसेज का पेज है तो सर्विसेज ले लिया, अबाउट का पेज है तो हमने अबाउट दे दिया। तो यहाँ पे कुछ हमने क्या किया, टाइटल दे दिया और टाइटल को हमने यहाँ से क्लोज कर दिया और देन हमने यहाँ से हेड को क्लोज कर दिया और हेड के बाद यहाँ से हमने क्या किया, बॉडी को ओपन कर दिया। बॉडी के अंदर हम यहाँ पे बहुत सारे सेंटेंस लिख सकते हैं, आपको पैराग्राफ को ही लिखना है तो यहाँ से आप पी टैग लगा करके आप इसमें पैराग्राफ लिख सकते हैं और पैराग्राफ टैग को आपको बंद करना है, कंटेंट जहाँ पे बंद करना रहेगा तो आप यहाँ से कुछ इस तरीके से, ये हमारा ओपनिंग टैग हो जाएगा, ये क्लोजिंग टैग। हेडिंग देना है तो आप यहाँ से हेडिंग भी दे सकते हैं, हेडिंग अगर हमें बड़ी हेडिंग्स लगानी है तो हम यहाँ पे H1 लेंगे, हेलो, या फिर हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे दिया और यहाँ पे H1 को हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो ये हमारी हेडिंग हो जाएगी। हेडिंग के बाद आप यहाँ पे पैराग्राफ में जो भी आपको लिखना है HTML के बारे में वो हम यहाँ से दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से कुछ कंटेंट्स हम अगर यहाँ से उठाना चाहें तो हम ये सारा कुछ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से पूरा का पूरा कॉपी कर लेते हैं और इसको हम क्या करेंगे, अपने पैराग्राफ में ले जा करके पेस्ट करेंगे। तो यहाँ से हमने कॉपी किया और यहाँ से पेस्ट कर दिया तो ये हमारा पूरा का पूरा पैराग्राफ यहाँ पे आ जाएगा। और देन उसके बाद यहाँ पे फाइनली पैराग्राफ के बाद हमारा और भी हेडिंग लिखना है, और भी पैराग्राफ्स देने हैं तो आप फिर से क्या करिए, यहाँ से फिर से ये हमारा हेडिंग है कॉपी कर लिया, यहाँ पे गए और यहाँ से हमने फिर से H1 इसी के, अगर छोटी हेडिंग देनी है इंट्रोडक्शन का पार्ट है तो हम यहाँ पे H2 लिखेंगे, सेकेंड लेवल की हेडिंग, और ये हेडिंग हम यहाँ से पेस्ट करेंगे। देन हम यहाँ से H2 को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। देन इसके बारे में हमें फिर से पैराग्राफ लिखना है तो फिर से क्या करेंगे, पी टैग लगाएंगे और फिर से हम यहाँ से पैराग्राफ या तो हम टाइप करें या तो फिर यहाँ से हम कॉपी करेंगे। तो कंट्रोल सी किया और यहाँ से जाएंगे कंट्रोल वी करेंगे, इसको पेस्ट कर दिया और यहीं पे पैराग्राफ हमने क्लोज कर दिया। अब इसमें देखिए हमारे पास इस टूल्स फॉर HTML में हमारे पास दो पार्ट अलग हैं, एक ब्राउजर है और दूसरा हमारा क्या है, एडिटर है। तो ब्राउजर हमारा क्या हो जाएगा, H2 नहीं होगा, H3 हो जाएगा क्योंकि इसी का पार्ट है। ये हमारा इंट्रोडक्शन था HTML इंट्रोडक्शन। अब इस HTML इंट्रोडक्शन में हमारे पास पहला था टूल्स फॉर HTML, तो ये हमारी सेकंड लेवल की हेडिंग हो गई। अब इसी में और भी सब हेडिंग बनानी है तो सब हेडिंग के लिए हम यहां से क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे H3। क्या लिखेंगे, H3 लिखेंगे। H3 में हमने लिख दिया ब्राउजर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्राउजर एक नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी जो किसका पार्ट हो जाएगा, H2 का पार्ट हो जाएगा। H2 हमारा कौन सा है, टूल्स फॉर द HTML। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया कुछ इस तरीके से H3 हेडिंग। H3 में आपको नंबर्स आपको देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो कोई जरूरी नहीं है। इसको आपको पॉइंट वाइज करके लिखना रहेगा तो पॉइंट वाइज करके, आगे हम लोग देखेंगे कि ये बुलेट्स वगैरह नंबरिंग वगैरह कैसे लगा करके लिखेंगे। बट अभी फिलहाल के लिए हम यहाँ पे ब्राउजर के बारे में कुछ पैराग्राफ्स यहाँ पे लिख सकते हैं, ब्राउजर क्यों यूज किया जाएगा, किस पर्पज से। फिर यहाँ पे हमने H3 अगेन लिखना है, ये हमारा H3 में हमारे पास कौन सा हो जाएगा, एडिटर। क्या हो जाएगा, एडिटर। और इस एडिटर में हमारे पास यहाँ पे हमने दिया और H3 को हमने क्लोज कर दिया। देन हम यहाँ से पैराग्राफ फिर से एडिटर के बारे में कुछ लिखना है तो यहाँ से हम एडिटर लिखेंगे, एग्जाम्पल देंगे। देन इसी तरीके से जितना भी हमारा कंटेंट रहेगा उस पेज में हमें डालना है,
ये बॉडी के अंदर ऐसे हेडिंग पैराग्राफ लगा करके मेंशन करेंगे, उसका लेबल भी ध्यान में रखेंगे कि मेन हेडिंग कौन सा है, सब हेडिंग कौन सा है। मेन हेडिंग रहेगी तो H1, उसका पार्ट है तो H2, H2 का भी पार्ट है तो H3। कुछ इस तरीके से हम हेडिंग्स लगाएंगे और उसके अंदर पैराग्राफ देंगे। फाइनली हम यहाँ से क्या करेंगे, बॉडी को क्लोज करेंगे एंड लास्ट में हमारा HTML क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। और यहाँ से हमने HTML को क्लोज कर दिया। अब इस फाइल को लिखने के बाद हमें क्या करना है, सेव करना है। सेव करेंगे तो हमें यहाँ पे सेव करते टाइम फाइल में जाएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे। सेव करना है तो हमें डेस्कटॉप पे करना है, तो हमने डेस्कटॉप पे करना होगा तो डेस्कटॉप फोल्डर ले लिया। इसमें फाइल का नाम देना है तो हमने यहाँ पे फर्स्ट पेज बनाना है, अगर वेबसाइट का पहला पेज तो उसका नाम लिखेंगे इंडेक्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे index.html, या आपको होम पेज लिखना है तो आप homepage.html भी लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे कभी कभी हमारे पास इसमें ऑल फाइल लिखना पड़ता है, अदरवाइज आपको जरूरी नहीं होती है, तो हम यहाँ पे ऑल फाइल लिखेंगे। यहाँ पे चूज करेंगे कि किस टाइप में हमें सेव करना है, देन हम यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। अब ये फाइल हमारा क्या हो जाएगा, बन के रेडी हो जाएगा। अब इसको हम टेस्ट कैसे करेंगे, जिसको हम टेस्ट करने की बात कर रहे थे, हम चलेंगे इसको डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे हमारी फाइल थी index.html से, ये हमारी फाइल यहाँ पे आ गई। इस पे हम डबल क्लिक करेंगे यहाँ से, ये आप देखेंगे तो हेडिंग पहला जो H1 था ये बड़े में आएगा, देन हमारा पैराग्राफ H2 थोड़ा सा इससे छोटा रहेगा, देन हमारा पैराग्राफ H3 हमारा इससे भी छोटा रहेगा, देन हमारा पैराग्राफ, देन H3 हमारा सेम लेवल का था H3, इसलिए सेम साइज का है। तो और जो हमने टाइटल दिया था वो यहाँ पे आएगा। तो जो बॉडी के अंदर हम देते हैं वो हमारा इस व्हाइट वाले एरिया में आएगा, और जो हमारा टाइटल होता है वो हमारा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो कुछ इस तरीके से हम किसी भी HTML की फाइल को बनाएंगे और उसको टेस्ट करना होगा तो हम ब्राउजर पे ऐसे रन कराएंगे।